विधानसभा क्षेत्र झंटुता में दो वर्षों के भीतर विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत 3,76,00,000 रुपए के लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं। यह जानकारी विधायक जीतराम कटवाल ने विकासखंड झंटुता में 5 विभागों के संयुक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा सके, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाए जा सके। उन्होंने बताया आज 1,073 लाभार्थियों को 48,00,000 रुपए के लाभ वितरित किए गए। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सौजन्य से मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत निःशुल्क 666 घरेलू गैस कनेक्शनों के वितरण किया गया। पंचायती राज विभाग के सौजन्य से मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गृह निर्माण हेतु 7 पात्र लाभार्थियों को 9,10,000 रुपए की राशि वितरित की, जिसमें गृह निर्माण हेतु प्रत्येक लाभार्थी को 1,30,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है। महिला मंडल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विकासखंड झंटुता के 13 महिला मंडलों को 1,59,000 रुपए की राशि वितरित की गई। उन्होंने बताया कि कल्याण विभाग के सौजन्य से अनुवर्ती कार्यक्रम योजना के अंतर्गत 1,30,000 रुपए की राशि से 72 लाभार्थियों को सिलाई मशीनें वितरित की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के सौजन्य से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 24 गरीब परिवार की कन्याओं के विवाह के लिए 9,60,000 रुपए की राशि वितरित की गई, तथा बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत 10 बेटियों को 1,20,000 की राशि वितरित की गई है। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के सौजन्य से 237 सोलर लाइट और 44 इंडक्शन हीटर लाभार्थियों को वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र झंडुता में 7,325 पात्र परिवारों की गृहिणी गैस कनेक्शन और उज्ज्वला योजना की सुविधा प्रदान करके लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य होगा जहां सभी की रसोई में गैस कनेक्शन सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से हर रसोई धुआं मुक्त होगी और महिलाओं को रसोई हेतु ईंधन लकड़ी ढोने से भी छुटकारा मिला है, जिससे पर्यावरण के संरक्षण को भी बल मिल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के गरीब लोगों के दर्द को समझा और उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का बीड़ा उठाया है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के लाभ दिए जाते हैं। झंडुता चुनाव क्षेत्र में आज 5वें दौर के लाभ वितरण समारोह में लगभग 49,00,000 रुपए के लाभ वितरित किए गए और फूड सप्लाई डिपार्टमेंट द्वारा 525 व्यक्तियों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए, 34 व्यक्तियों को वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग द्वारा लाभ वितरित किए गए, लेबर डिपार्टमेंट द्वारा 281 व्यक्तियों को लाभ वितरित किए गए, बीडीओ द्वारा 7 व्यक्तियों को हाउसिंग सब्सिडी दी गई और वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा 72 व्यक्तियों को मशीनें दी गई और साथ में महिला मंडलों को प्रोत्साहन राशि के रूप में भी लगभग 4,00,000 रुपए के लाभ दिए गए। 20 महिला मंडलों को इसमें शामिल किया गया। कुल मिलाकर अभी तक 3,75,66,699 रुपए के लाभ इस चुनाव क्षेत्र में लोगों को वितरित किए। लाइव टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।